भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। लवली भैया आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। लवली भैया आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। लवली भैया आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जो नॉमिनेशन हमने भरा था कल, फाइनल जो उसकी स्क्रूटनिंग है वो हुई थी, वहाँ पे इलेक्शन कमीशन के ऑफिस से भी और एसीआर मैडम की तरफ से वो स्क्रूटनिंग का प्रोग्राम जो पूरा किया गया है, और फॉर्म फोर की तरफ से ये लिस्ट जो है वो जो नॉमिनेशन एक्सेप्ट हुए हैं उनकी निकाली गई है। इसके अलावा कुछ नॉमिनेशन रिजेक्ट भी हुए थे। गवर्नमेंट रूल के हिसाब से और गाइडलाइन के हिसाब से दो फॉर्म जो है मेरी तरफ से भरे गए थे, जिनमें से एक फॉर्म रिजेक्ट किया गया है और एक हमारा फॉर्म जो है वो एक्सेप्ट हुआ है। यहाँ पे सीरियल नंबर 11 है, रविंदर सिंह सन ऑफ लेट श्री सोहन सिंह चकमंगा रकवाल एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है वो मेरा फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है। मैं हमारे सांबा की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि आप सबके विश्वास से और आप सबकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से मेरा ये जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट हो गया है। लेकिन कुछ लोगों को ये चीज़ जो है वो नहीं हजम हो रही कि इसका फॉर्म कैसे एक्सेप्ट हो गया है। मैं एक गरीब जनता का लीडर हूं, एक आम नागरिक हूं, और हर जगह पे यहां पे मुझे कोई बुलाता है या कोई इनजस्टिस लोगों के साथ होता दिखता है, मैं वहां पे जनता की आवाज बनता हूं, जनता के साथ शाना बशाना खड़ा होता हूं। अब कुछ पॉलिटिकल पार्टी जो है जो नहीं चाहती कि ये खड़ा हो, जो आम जनता का, गरीब जनता का मुझे साथ मिल रहा है, उनकी कृपा से मैं यहाँ पे इस रेस में सबसे आगे जो चल रहा हूँ, उसके चलते उनकी तरफ से एक र्यूमर जो है वो फैलाया जा रहा है कि इनका फॉर्म जो है वो एक्सेप्ट नहीं हुआ है। एक न्यूज़पेपर के ऊपर भी ये जो न्यूज़ है ये छपी हुई है कि तीन लोगों के फॉर्म जो है वो दोनों फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं। हालांकि दोनों नहीं, एक फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हुआ है और दूसरा फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया गया है। डीसी ऑफिस में भी इसकी एक कॉपी जो है वो नोटिस बोर्ड के ऊपर लगी हुई है। मैं सांबा की जनता को उनके आशीर्वाद से और उनको ये क्लियर कर देता हूं कि आपका बेटा, आपका बच्चा, आपका भाई जो ये असेंबली एमएलए की इलेक्शन जो लड़ने के लिए जा रहा है उसमें आपका मेरे को भरपूर साथ मिल रहा है, बच्चों की तरफ से, नौजवानों की तरफ से, महिलाओं की तरफ से, बुजुर्गों की तरफ से बड़ा सहयोग जो है वो मिल रहा है, और आप जरूर हमारी जीत जो है वो पक्की करेंगे। इसलिए ऐसा कोई भी अगर कोई र्यूमर आपके पास आता है तो ये आप क्लियर कर लीजिए और अपने लोगों को भी ये स्पष्ट कर दीजिए कि हमारा नॉमिनेशन फॉर्म जो है वो भर गया है, वो अभी एक्सेप्ट हो गया है, और 17 तारीख को हमें जो है वो हमारी सिंबल जो है वो अलाट हो जाएंगे और जनता तक हमारा प्रयास रहेगा कि घर घर तक हम अपना सिंबल जो है वो पहुंचा सके। आज सुबह से हजारों मेरे जो समर्थक हैं, मेरे जो वोटर हैं, मेरे जो सपोर्टर हैं, जो दिल्ली चाहते हैं कि मैं सांबा का एज ए एमएलए बनूं, उनके मुझे हजारों फोन आ रहे हैं, और उनके लिए हमने एक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके चैनल के माध्यम से घर घर में पहुंचाने की कोशिश की है कि हमारा फॉर्म जो है वो एक्सेप्ट हो गया है और इलेक्शन हम लड़ने जा रहे हैं। इन सभी लोगों के सहयोग से हमें कामयाबी मिलेगी। मैं आप सभी मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और जिस न्यूज़पेपर ने ये न्यूज़ लगाई है उनको भी मैं ये क्लियर करता हूं कि कल के पेपर में आप इस स्पष्टीकरण को क्लियर कीजिए, नहीं तो हमें कोई और स्टेप ना लेना पड़े। इसलिए मेरी उनसे यही गुजारिश है कि ये जो आपने एक गलत न्यूज़ छापी है उसको क्लियर करके कल पूरा मेरा जो ये मैं आपको बता रहा हूं कि हमारा जो फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है उसके बारे में क्लियरिफिकेशन दीजिए, ताकि लोगों तक अगर कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग जा रही है तो वो क्लियर हो सके। मैं दोबारा आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरे साथ में आए हुए मेरे सारी टीम जो है इनकी तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।